और ये तस्वीरें आ रही हैं, ये वही ग्रंथि हैं उस गुरुद्वारे की जहां पर अमृतपाल आज कथा कर रहा था। जो वीडियो सामने आया है उसी गुरुद्वारे की ग्रंथि बताए जा रहे हैं। जो वीडियोस हमारे पास आए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एक गुरुद्वारे में जो अमृतपाल बैठा हुआ नजर आ रहा है, ये ताजा वीडियो जो है गिरफ्तारी के पहले का। और पहली तस्वीर में हम आपको गुरुद्वारे की उस ग्रंथि की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो उसी गुरुद्वारे में ग्रंथि है। और ये दो तस्वीरें आपको देखिए अमृतपाल से जुड़ी हुई, ये बड़ी जानकारियां हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चौबी साहब ने किए वो तो पहला अपनी किट तैयार की, चोले पाए, परने पाए, कंघे दो ले, चप्पल लईया, चोले पाए, सो ये सारा तैयारी करके फिर गुरुद्वारा साहब गए। फिर उन्होंने मत्था टेकन तो बाद संगतों को संबोधन किया, ब्रीफ जी उन्होंने दसिया कि इस तरह करके आ कारण से जिन्हें करके मैं गिरफ्तारी देने दे लेट रहा। नाल उन्होंने संगतों का धन्यवाद किया जिन्होंने हुण तक मैं सांभिया, जिन्होंने अरदासा कीतियां, जिन्होंने पाठ कराए, चौबी साहब के जपजी साहब के पाठ किए, उन्होंने सारे का धन्यवाद किया। जिन्होंने संगतों ने उन्होंने ठहरा दतिया वह सारे का धन्यवाद करने तो बाद गुरद्वारा साहब तो बाहर जाके उन्होंने गिरफ्तारी दी, जिदिया तस्वीर भी है। कुछ फेक जे चैनल बड़ा शोर मचा रहे जी, उन्होंने इस तरह नप लिया गया, उसने मजबूर कर दिता गया, ऐसी कोई गल नहीं सी, उन्होंने अपनी मर्जी के नाल गिरफ्तारी दी है। सो इस वीडियो भी थोड़ा क्लीयर कर दूंगी जी, उन्होंने पहले ही फड़िया हों की पुलिस उन्होंने दोबारा संगत के आके संबोधन कर दी। इस झूठिया खबर नहीं, हाँ पुलिस ने अपना वर्सन रखना है कि असी उन्होंने गिरफ्तार कर लिया, असलियत है कि उन्हें अपनी मर्जी के नाल गिरफ्तारी दी है। कितने बजे की गल है भाई जी? ठीक 7 बजे उन्होंने गिरफ्तारी देती थी। गुरुद्वारा संत खालसा जिहड़ा कि श्रीमान संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले का जन्म स्थान है, इस स्थान तो उन्होंने आके गुरुद्वारा साहब तो बाहर निकल के गिरफ्तारी दी। पुलिस को सूचित किया गया भाई जी पहले? उन्होंने किया होना, मैनू पुलिस से पता लगा है कि उन्होंने थोड़े पिंड तो अच्छी गिरफ्तारी देनी है, मैंने बहुत लेट पता लगा है। ये मतलब सूचित अमृतपाल सिंह ने ही किया होगा, पर उस तो बाद तुरंत ही जी पुलिस के अधिकारी आए थे, आई जी सी इंटैलीजेंस का, SSP अजनाला से, वो लैके उन्होंने इतों बठिंडे लै गए, बठिंडे तो बाई एयर उन्होंने डिब्रूगढ़ ही लिजाया जा रहा है। कि कारण की दस्या जी किस हालातों के कारण की उन्होंने दस्ती है, बाकी के साथी उन्होंने फड़े हुए थे, बहुत सारे साथी उन्होंने कारण तो अपना आप ही दस्या हुआ, मैंने दसने की लड़ नहीं। जिस तरह तुम कह रहे हो कि संबोधन उन्होंने दसिया कि क्यों नहीं गिरफ्तारी की, उधर उन्होंने डिब्रूगढ़ ही लिजाया जा रहा है। कि कारण की दस्या जी किस हालातों के कारण की उन्होंने दस्ती है, बाकी के साथी उन्होंने फड़े हुए थे, बहुत सारे साथी उन्होंने कारण तो अपना आप ही दस्या हुआ, मैंने दसने की लड़ नहीं। जिस तरह तुम कह रहे हो कि संबोधन उन्होंने दसिया कि क्यों नहीं गिरफ्तारी की, संबोधन चलायो क्योंकि मैं उस संबोधन में कुछ कह पेशकारी कोई फर्क रह जाएगा, तुम मैं सारे रिलीज़ किया तो जिद को है नहीं एक दूजे तो लै लो, उन्हों का संबोधन ही टैलीविजन पर जारी करो ताकि स्पष्ट हो जाए कि उन्होंने किन हालातों के गिरफ्तारी दी है तो किस ढंग नाल दी है, सारे शंका संगतों की दूर हो जाए। मैं रात लग 12:30 बजे मैं पता लगे, मैं उत्थे चलिया, मैं 4 बजे पहुँच गया, मैं 4 बजे पहुँच गया। अमृतपाल किन्ने बजे आए? तो पहले आए हुए थे 4 बजे, पहले भी आए हुए थे। मैं हाजिर सी, क्लीयर किया उन्होंने, उन्होंने 5-7 मिनट लाए है, वो तुम चलायो ताकि संगतों। तो देखिए ये गुरुद्वारे की जो ग्रंथि है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अमृतपाल जब वहां पर पहुंचा था उसने एक एक करके हर एक डिटेल वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले वो वहां पहुंचे, हाथ मुंह उसने धोया, उसने आके मत्था टेका और उसके बाद उसने पूरी जानकारी वहां पर दी गुरुद्वारे में पहुंच के कि किस तरह से आज वो सरेंडर करना चाहता है। और यही वो अपनी कथा में बताने की कोशिश भी कर रहा था। जो ग्रंथि अभी हम सुन रहे थे, जिनकी बात हम सुन रहे थे, हमारे सहयोगी बठिंडा एयरपोर्ट से है जो जुड़ चुके हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। कुलवीर हमारे साथ है। कुलवीर, जानकारी ये भी मिल रही है कि क्या अमृतपाल जब पहुंचेगा बठिंडा एयरपोर्ट तो उसका पहले मेडिकल होगा, फिर रवानगी होगी असम के लिए, और सुरक्षा कैसी है वो भी बताएं। नहीं, अभी हम बठिंडा के एयरपोर्ट स्टेशन के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन देखा जाए तो अभी मीडिया के अलावा और कोई नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो खबरें आ रही है वो सिर्फ यही बताया जा रहा है कि अभी लेके आया जा रहा है, लेके चले गए हैं, मतलब अभी तक कंफर्म नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर हुआ क्या है, क्योंकि सारा मीडिया यहाँ खड़ा हुआ है बठिंडा एयरपोर्ट स्टेशन भिस्याना के सामने।
लेकिन अभी तक ये नहीं समझ पाए कि उनको कहाँ पे रखा गया है और कहाँ पे कहाँ से लेके आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ यही बताया जा रहा है कि एयरफोर्स स्टेशन उनको लाया जाएगा 8:30 बजे के करीब, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। लेकिन जहाँ से उनको जो है वो डिब्रूगढ़ के लिए लेके जाया जाएगा और वहाँ पे उनसे पूछताछ जो करनी है वो की जाएगी। लेकिन मेडिकल के लिए अगर हम कहें तो मेडिकल करवाना, पहले जब भी कोई गिरफ्तारी होती है तो उसका मेडिकल करवाना जरूरी होता है। ये मेडिकल तो जरूर होगा, क्योंकि कहाँ से करवाएंगे ये अभी नहीं बताया जा सकता कि कौन से हॉस्पिटल से करवाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल उनका होगा। भटिंडा एयरपोर्ट के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का भी एक चैलेंज यहां पर पुलिस महकमे के सामने, जिसको लेकर सुबह ट्वीट किया गया है। अगर संभव है तो आसपास के विजुअल दिखाइए साथियों, की कुछ ही देर में जो टीम है यहां पर पहुंचेगी भटिंडा एयरपोर्ट अमृतपाल सिंह को लेकर। हाँ, हम लोग दिखा सकते हैं कि ये देखिए कि यहाँ पे अभी ऐसा माहौल बना हुआ है जो आप देख सकते हैं कि आम जैसे पहले चलता था वैसा ही चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि जिससे कोई स्पेशल लग रहा हो कि कुछ यहाँ कोई इंतजाम ऐसे किए गए हो, क्योंकि फोर्सेस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन के आसपास फोर्सेस जो होती है वो नहीं है। जो पंजाब पुलिस की गाड़ी है, एक गाड़ी वही खड़ी दिखाई दे रही है, और इंटेलिजेंसी के लोग हैं जो वो है, और कोई कोई खास मतलब कह नहीं सकते कि ऐसा कुछ हुआ है कि यहाँ मतलब लोगों में एक ये जरूर था कि 30-35 दिन से लगातार ऐसा चल रहा था कि कब इसको पकड़ा जाएगा, कब ये गिरफ्तारी देगा, लेकिन ये प्रेशर ही ऐसा बन गया है कि उसको गिरफ्तारी देनी पड़ी है। बिल्कुल, क्या डिटेल्स मिल पा रही है, कितनी देर में पुलिस के दल बल के साथ भारी सुरक्षा के बीचों बीच अमृतपाल भटिंडा एयरपोर्ट पहुंच जाएगा? कुलवीर, ये अगर हम करें ऑफिसर्स की बात करें तो उनसे पता चला है कि पहुंचने वाले हैं और जल्दी यहां से उनको एयरफोर्स स्टेशन से डिब्रूगढ़ के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो रहा, क्योंकि हर एक आरकेसी के अलग अलग बयान जो है वो आ रहे हैं कि जिसे भी पूछते हैं वही कहता है कि अभी पहुंचने वाले हैं, बस पहुंच चुके हैं, मगर जल्दी ही उसको यहाँ पे लेके आया जाएगा। और उसके बाद एक बड़ी टीम इस खबर पर लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रही है। इस बीच दूसरे वीडियो पर जाते हैं, देखिए गिरफ्तारी से ठीक पहले का ये वीडियो है, प्रवचन देता गुरुद्वारे में अमृतपाल सिंह नजर आता हुआ और इसके कुछ ही देर के बाद इसकी गिरफ्तारी, इसने आत्मसमर्पण किया अमृतपाल ने और फिर इसकी गिरफ्तारी हुई है। कहीं ना कहीं यहां पर अब जो सवाल है वो पुलिस के महकमे पर उठने लाजमी है। इस बीच इन तस्वीरों पर जाते हैं वापस, बीच की जो तस्वीर है इसमें आपको वो ग्रंथी नजर आ रहे हैं जिन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया, गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं जिन्होंने बताया आपसे कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब होकर कैसे ये गुरुद्वारे पहुंचा, इसने हाथ मुंह धोए, वहां पर बैठा, प्रवचन दिया गुरुद्वारे की शरण में आकर, और उसके कुछ ही देर के बाद इसने वहीं से आत्मसमर्पण किया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई। तो अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है, 36 दिन तक पुलिस को लगातार चकमा देता रहा, कहना गलत नहीं होगा। जालंधर से फरार हुआ था 18 मार्च को और 23 अप्रैल को पंजाब के मोंगा के रोड़े गांव से इसकी गिरफ्तारी हुई है। इस बीच अलग अलग लोकेशंस बदली, अपना हुलिया बदला, तस्वीरें बदली, और देखिए 23 अप्रैल मोंगा पंजाब, 20 अप्रैल अमृतसर एयरपोर्ट पर किरणदीप कौर को रोका गया, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने रोका, पूछताछ की, और 10 अप्रैल वो तारीख, ये जो तीन बड़ी डेट्स हैं। क्यों? देखिए सबसे बड़ा सपोर्टर अमृतपाल सिंह का कोई है तो वो पपलप्रीत सिंह है जो होशियारपुर पंजाब से 10 अप्रैल को गिरफ्तार हुआ, असम के डिब्रूगढ़ जेल में ये है, और अब कुछ ही देर में मोंगा से वाया भटिंडा होते हुए असम ले जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, टीम्स निकल चुकी हैं, और लगभग 3 दिन पहले की बात है जब अमृतपाल की पत्नी को भी सवाल जवाब किए गए, लंदन जाना चाह रही थी और उनको रोका गया और पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी बना हुआ था लगातार अमृतपाल सिंह के ऊपर कि उसके दो सपोर्टिंग सिस्टम जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, इससे उसने कहीं ना कहीं आज गुरुद्वारे में शरण ली, प्रवचन दिया और आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। Z News.